आजकल डेंगू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और डेंगू के साथ में पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है बच्चों में खास तौर से, कि मेरे बच्चों को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, इसके साथ में बच्चों को हेडेक और बॉडीएक हो रहा है, तो मैं बच्चों को कौन सी पेन किलर मेडिसिन दूँ। आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि डेंगू एक वायरल इलनेस है जो बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से आपके लीवर एंजाइम एलिवेटेड हो जाते हैं, आपकी प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाती है, TLC की काउंट डाउन हो जाती है। तो आपको जो पेन किलर लेना है वो लो डोज के अंदर लेना है, और जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी डोज में लीजिए। यूजली डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे पैरासीटामोल। बच्चों के अंदर खास तौर से आपने ध्यान दे देना है कि जो डोज की क्वांटिटी होती है और प्लस डोज की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी को आप फॉलो कीजिए। अगर आप पैरासीटामोल के अलावा डिफरेंट तरह की जो एनसेड मेडिसिन जैसे कि ब्रूप्रोफेन, नेप्रोक्सन, एस्पिन यूज करते हैं, तो बच्चे को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस हो जाते हैं। डेफिनेटली आपको फीवर में इंप्रूवमेंट मिलेगा, बट बच्चे की प्लेटलेट की काउंट कम हो सकती है, बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चे के लीवर के अंदर काफ़ी हाईली इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरा आपको सिंपल सा कैरी होम मैसेज है कि जहाँ तक हो सके पैरासीटामोल को यूज़ कीजिए, डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज के अंदर यूज़ कीजिए। अगर उससे फीवर नहीं इंप्रूव हो रहा तो देखिए कि आपका बच्चा प्रॉपरली हाइड्रेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस ध्यान रखिए कि अगर फीवर इंप्रूव नहीं हो रहा तो बच्चे को प्रॉपरली स्पंजिंग कीजिए। अगर इससे भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिला तो डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, ये काफ़ी सीरियस मैटर हो सकता है। ओके।